नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय भारत विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है कोरोना संकट के संदर्भ में, और हम पाते हैं कि हमारी सरकारें पूरी तरह से हमारे और आपके भारतीय नागरिकों के प्रति लापरवाह बेपरवाह सी हैं। एक के बाद एक जो खबरें आ रही हैं वे बता रही हैं कि भीषण आर्थिक संकट कोरोना संकट की वजह से भारतीय नागरिक अपनी जान गंवा रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, नौकरी जा रही है इसकी वजह से डिप्रेशन में हैं, और इन पर चर्चा बहुत ही कम है। कोरोना काल ने, लॉकडाउन काल ने जहां पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से झकझोर दिया है, वहीं भारतीय मीडिया भी इससे अछूता नहीं है। खबरों के हिसाब से 1000 से 1500 पत्रकारों की नौकरियां महज 2 महीनों में छीन ली गई हैं। ये आंकड़े वे हैं जो हमारे सामने आए हैं, जिन्हें हम जोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे अनगिनत आंकड़े हम तक और आप तक नहीं पहुंचे। और मैं दावे से कह सकती हूं कि अगर ऐसे तमाम इस्तीफे जोड़ लिए जाएं जो प्रबंधनों ने पत्रकारों से लिए हैं, तो यह आंकड़ा कई हजार में बैठ सकता है, अगर पूरे देश भर में आप देखिए। और ठीक इसी समय जब हम यह बात कर रहे हैं, दिल्ली में एक घटना होती है जो हमें और खास तौर से पत्रकार बिरादरी को बुरी तरह से झकझोर के रख देती है। एक युवा पत्रकार दैनिक भास्कर में जो हेल्थ बीट देखते थे, तरुण सिसोदिया, 36 या 37 उम्र रही उनकी, 2 छोटे बच्चे, 3 साल पहले शादी हुई, एम्स जैसे प्रतिष्ठित शीर्ष संस्थान में वह भर्ती थे, 24 जून से वहां उनका इलाज चल रहा था, कोरोना पे खबरें करते करते उन्हें कोरोना हुआ था, और अचानक यह खबर आती है कि 6 जुलाई को वो 4th मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। हालांकि पत्रकार बिरादरी का एक बड़ा खेमा इसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पत्रकार संगठन, इंडिविजुअल पत्रकार पत्र लिख रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, चाहे वो जज के द्वारा कराई जाए, लेकिन तमाम लोग ये कह रहे हैं कि इसकी जांच एम्स के जो डॉक्टर हैं उनके जरिए नहीं होनी चाहिए, जिसका वादा हर्षवर्धन ने, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि एक जांच गठित होनी चाहिए और इसकी रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिए, लेकिन इससे पत्रकार सहमत नहीं है। और इसकी बहुत ठोस वजह है, अगर आप देखिए कि किस तरह की खबरें तरुण ने की, तरुण जब वहां पर एडमिट थे किस तरह की बातें वो अपने सहयोगियों के साथ शेयर कर रहे थे, वे व्हाट्सएप पर लगातार इस बात की आशंका जता रहे थे कि उनकी आत्महत्या हो सकती है, उनके जीवन को लेकर संकट है। ये तमाम चीजें जिस समय चल रही थी उस समय उनके परिजन जो खुलकर बोल रहे हैं, अब वे बता रहे हैं कि उन पे दबाव था। सवाल यह है कि क्या यह दबाव नौकरी को लेकर था? जहां तक हम जानते हैं कि भास्कर समेत तमाम जो बड़े बड़े समूह हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर पत्रकारों को बाहर निकाला है, छटनी की है। सवाल यहां सिर्फ यह नहीं है कि तरुण पर नौकरी जाने का संकट था, तरुण पर खबर करने की वजह से संकट था, या जिस तरह का पूरा माहौल बना दिया गया है उसकी वजह से उन्हें आत्महत्या करनी पड़ी या उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया। तरुण का मामला इसलिए बहुत अहम होता है क्योंकि वह देश की राजधानी दिल्ली में हुआ, दिन दहाड़े हुआ, और एक ऐसे पत्रकार के साथ हुआ जो बहुत सजग पत्रकार थे। वे लगातार एम्स के भीतर भी रहकर वहां जो गड़बड़ियां चल रही थी इसे लेकर सवाल उठा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कोरोना संकट के समय जिस तरह की रिपोर्टिंग की,
जिस तरह से वे सामने लेकर आए कि जितनी मौतों के बारे में बातें हो रही हैं उससे कई अधिक मौतें हो चुकी हैं। ये सारी खबरें खुद तरुण ने की। तरुण लगातार अपनी रिपोर्ट में लिख रहे थे कि कोरोना होने का मतलब जीवन का अंत होना नहीं है। आखिर ये क्या सिस्टम रहा, क्या वजहें रही कि तरुण का इतना दर्दनाक अंत होता है? अगर यह आत्महत्या है तो यह आत्महत्या क्यों हुई, क्यों करनी पड़ी तरुण जैसे युवा पत्रकार को आत्महत्या, वह भी देश की राजधानी में रहते हुए जहां पर उनके पास इतने प्लेटफॉर्म्स थे। उनके जो भाई हैं वह भी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। हमारा मानना है कि तरुण का मामला एक अकेला आइसोलेशन में हुआ मामला नहीं है, यह जो मीडिया कर्मियों के साथ इस समय हो रहा है उससे जुड़ा हुआ मामला है। पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली में हमने देखा था कि तमाम पत्रकार, जो नामचीन पत्रकार हैं या बड़े बड़े संस्थाओं से जुड़े हुए पत्रकार हैं, चाहे वो बीबीसी में हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, वे गुहार लगा रहे थे कि उनकी जांच नहीं हो रही, उन्हें कोरोना हो गया है और उनके पास भर्ती होने के लिए कोई जगह नहीं हो रही। यह संकट जब देश की राजधानी दिल्ली में है तब हमें ये सवाल उठाना जरूरी है कि जिस तरह के बड़े बड़े दावे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वे जा कहां रहे हैं, लोगों को क्यों नहीं राहत मिल पा रही है, और खास तौर से वे मीडिया घराने जो तमाम तरह के दावे छापते हैं वे इतने बड़े पैमाने पर पत्रकारों को कोरोना काल में नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं या नौकरी जाने का इतना तगड़ा खतरा उनके सर पर कैसे मंडरा सकता है और कहीं से भी इस बारे में कोई बात क्यों नहीं करता। रोड स्कॉलर्स समेत तमाम जो और संगठन हैं उनके जो आंकड़े हैं वे बता रहे हैं कि सिर्फ इस दौरान कोरोना काल में या लॉकडाउन काल में 100 से अधिक लोग आत्महत्या कर चुके हैं और इन आत्महत्याओं के पीछे बड़ी वजह नौकरी का जाना, आर्थिक संकट, आर्थिक मंदी है। जहां छोटे बड़े कारोबारी जो हैं, छोटे छोटे बिजनेस करने वाले लोग, वे आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं। यह सीधे सीधे जुड़ा हुआ है अर्थव्यवस्था में जो जबरदस्त इस समय भूचाल आया हुआ है उससे यह रिश्ता इसका जुड़ा हुआ है। हम पाते हैं कि सरकार एक के बाद एक तमाम चीजें बेच रही है, रेलवे बेच रही है, बिजली बेच रही है, कोयला बेच रही है, सब कुछ बेच रही है, और यहां इसके बेचने का मतलब है लाखों लाख नौकरियों का जाना। और ठीक इसी समय जो भारतीय मीडिया संस्थान हैं, मीडिया घराने हैं, लंबे चौड़े मीडिया घराने हैं, वे बड़े पैमाने पर इस आपदा को इस अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, वे पत्रकारों को नौकरी से निकाल रहे हैं, संस्करण के संस्करण बंद हो रहे हैं। इस बारे में पी साईनाथ के इस कथन को सुना जाना चाहिए जहां वे कहते हैं कि इस संकट में बड़े पैमाने पर पत्रकारों की जरूरत है ताकि सही ढंग की खबरें हो सकें, सही ढंग की रिपोर्ट आ सकें, लेकिन संस्थान बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं साईनाथ को। I've been shouting for 20 years about what corporatization will do to the media. It's done it to the Hindu. Okay? It's done it. I mean, the Times and HT. Vijay, over 1,000 journalists, in my estimate, have been laid off in the last 2 months. Many of these journalists were going to be laid off anyway. The pandemic gave these guys an excuse to throw them out. The Times and many other groups did this after the 2008 Wall Street collapse. In 2009, before the elections, and the same newspapers were saying, India unaffected by the Times of India had a thing. One headline said, what recession? The economy is soaring. Yeah. And they were laying off people. It again happened after demonetization. Again, there was another round. Thousands and thousands of jobs have been lost in journalism since 2008. This year, journalists and non-journalist employees also, must be about 1,500 in the last few months. Now look at this fact. At the time you need journalism and journalists the most,
you are responding to the pandemic by laying off 1,000 journalists and restricting the coverage of what you need to cover so cleverly, so desperately need to cover. And therefore, you have a situation where much of the coverage was on the edge of the cities as the migrants marched out. You did your TV stuff, and one or two went around. Again, it's the problem of journalism of covering the event versus covering the process. Not the media have simply been unable to ask the right questions because they never had beats on this. Media par media karmi hone ke nate aur bhartiya nagrik hone ke nate hame baat karni behad zaruri hai kyunki jo log khabrein pahuncha rahe hain अवधारणा बना रहे हैं, अवधारणा तोड़ रहे हैं, सच को या तो दिखा रहे हैं या सच को छुपा रहे हैं, इनकी अपनी स्थिति क्या है, कितने पत्रकार किस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कितने लोगों को कोरोना हुआ, जब कोरोना हुआ तो उनके संस्थानों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया, इस पर आखिर कौन बात करेगा? हम क्या इस पे बात नहीं करेंगे? मुझे लगता है कि इस पे बात होना बेहद जरूरी है. तरुण सिसोदिया के मामले में सही ढंग की न्याय, सही ढंग की जांच होनी बेहद जरूरी है. कम से कम एक मामले पर पत्रकारों का साथ आना बेहद जरूरी है, चाहे वो मीडिया हो या लोकतंत्र का कोई भी खंबा. हम आपकी मदद से इसी तरह से बेबाक सवाल उठाते रहेंगे. आपसे गुजारिश है कि देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए न्यूज क्लिक और खोज खबर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए सच को जिंदा रखने की हमारी यह लड़ाई. शुक्रिया.